मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि कर्नाटक में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनेगा। अजान से लेकर हलाल मीट से लेकर हिजाब का मुद्दा, लव जिहाद जैसे मुद्दे, यानी तमाम वो मुद्दे जो ध्रुवीकरण में बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं, उनका असर जमीन पर दिखाई नहीं देगा। पुराना मैसूर क्षेत्र में आने वाला रामनगर, जहां पे वोकालिंगा समुदाय बहुतायत में है, ये भाजपा का गढ़ कभी नहीं रहा। साल 2024 से पहले साल 2023 यानी वर्तमान साल में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और नतीजे किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, क्योंकि यहां से जीत का मार्जिन, जीत का इम्पैक्ट 2024 के लिए बड़े मैसेजेस लेकर जाएगा। और शायद यही वजह है कि ये सीजन पदयात्राओं का भी है, जासूसी जैसे आरोप भी हैं, विदेशी ताकतों का हाथ है, कैसे सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है, कैसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तमाम फ्रेजेस आप सुन रहे हैं। गुजरात से निकली हिंदुत्व की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गई, कामयाब रही, लेकिन सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश से ये इम्पैक्ट अब दक्षिण भारत की तरफ जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में वो राज्य जहां पर, एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि कर्नाटक में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनेगा। 2018 में भी कर्नाटक में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनी थी और पार्टी का अंदरूनी सर्वे जो इन एरियाज में हुआ है कर्नाटक में, खासतौर पर बीजेपी बीट के रिपोर्टर्स से ये मालूम चला है कि 224 में से 60-70 सीटें आने का अनुमान है पार्टी के इंटरनल सर्वे में, यानी कि 45-50 सीटें कम बहुमत से। अब ऐसे में जो ये दाव बीजेपी ने चला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर अब नए सिरे से बात शुरू हो गई है। इस सिलसिले की शुरुआत होती है पिछले साल दिसंबर में लिखी गई एक चिट्ठी से। रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री बोम्मई से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर राम देवरा बेट्टा में एक मंदिर बनाने के लिए एक विकास समिति गठित करने का आग्रह किया था। राम देवरा बेट्टा को दक्षिण भारत के अयोध्या के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मत था। नारायण ने कहा था कि राम देवरा बेट्टा में मुजरई विभाग से संबंधित 19 एकड़ जगह का उपयोग करके राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। मंत्री कहते हैं कि क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि सुग्रीव ने राम देवरा बेट्टा को स्थापित किया था। वो ये भी मानते हैं कि 7 महान संतों ने यहाँ अपनी तपस्या की थी। इसके अलावा ये देश में एक प्रमुख गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। उन्होंने पत्र में कहा था कि राम देवरा बेट्टा और महाकाव्य रामायण के बीच पारंपरिक संबंध त्रेता युग से हैं। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार राम देवरा बेट्टा बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और मशहूर हिंदी फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को इन्हीं पहाड़ियों पर शूट किया गया था। तो कर्नाटक के पुराना मैसूर क्षेत्र में आने वाला रामनगर, जहां पे वोकालिंगा समुदाय बहुतायत में है, ये भाजपा का गढ़ कभी नहीं रहा। और इसीलिए जब ये बात हो रही है कि इस क्षेत्र को यूपी की अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाए, तो क्या हिंदुत्व का ये कार्ड कर्नाटक में बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ आगे बढ़ाएगा, इसे लेकर भी चुनौतियां कई हैं। कर्नाटक में बीजेपी के लिए हिंदुत्व वाला दाव कितना काम आएगा, ये सवाल है, क्योंकि बीते साल मुद्दे जिन्हें बीजेपी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हवा दी, जैसे सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर आने से शुरू हुआ विवाद, जिनका समर्थन ग्लोबल टेररिस्ट अल जवाहरी तक ने मुस्कान का नाम लेकर कर दिया, और मामला हिंदू मुस्लिम विवाद से लेकर राष्ट्रवाद जैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले मामलों तक पहुंच गया। अप्रैल 2022 में हिंदू संगठनों ने उगादी फेस्टिवल के दौरान हलाल मीट बैन करने की मांग कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को इकोनॉमिक जिहाद तक बता दिया था। बोम्मई सरकार तो हलाल मीट पर बैन को कानूनी मान्यता तक देना चाहती थी, लेकिन क्या ये मामले बीजेपी के लिए काम आए? और कौन भूल सकता है साध्वी प्रज्ञा को, सांसद भोपाल से हैं, लेकिन बयान देती हैं कर्नाटक के शिमोगा में जाकर दिसंबर में कि हिंदुओं को खतरा है, इसलिए घर में धारदार हथियार, चाकू वगैरह सब आप तैयार करके रख लें। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, कर्नाटक में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। और इसीलिए सवाल यहाँ पर कई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि अजान से लेकर हलाल मीट से लेकर
हिजाब का मुद्दा, लव जिहाद जैसे मुद्दे, यानी तमाम वो मुद्दे जो ध्रुवीकरण में बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं, उनका असर जमीन पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पार्टी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 60-70 सीटें आ रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि कर्नाटक में राम मंदिर वाला ये दाव क्या बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे और मजबूत करेगा या खोलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये भी सच है कि एक दाव से कुश्ती नहीं जीती जाती, और फिर ये तो चुनावी कुश्ती है, कई और खेल खेलने पड़ेंगे। लेकिन इन सब दाव के बीच आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में जब काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, तो सरकार की तरफ से ये एक बहुत अच्छा प्रयास था दो प्राचीन क्षेत्रों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पहचानों को आपस में जोड़ने का। लेकिन फिर इसमें चुनावी फायदे के प्रयास को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं कर्नाटक चुनाव के नतीजे इस बार किस करवट बैठते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।